कोरोना में मैं श्रीमंत महाराज साहब बोल रहा हूँ, बेटा कैसे हो आप, क्या हुआ? प्रद्युम्न सिंह तोमर कुत्ता मर गया, कैसा मरा? यहाँ आदमी नहीं मरा, कहाँ प्रद्युम्न सिंह तोमर, आपका क्षेत्र का है? और प्रवीण पाठक कहाँ है, जनता का सेवक, हम जनता के लिए, कहाँ है विपक्ष के लोग, कहाँ है विपक्षी पार्टियाँ? सिंह तोमर और माननीय तुलसीराम सिलावट जी प्रभारी मंत्री कहाँ गए? आपके परिवार के जिले में इतना अत्याचार हो रहा है, सेन समाज सड़कों पे, आपका एक ट्वीट नहीं आया, आपके लोग नहीं आए, आपका फोन नहीं आया। क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, हम पिछड़े वर्ग के, हमको वोट दो, हम जीत जाएंगे तो हमेशा करेंगे, कहाँ गए? एक महीना हो गया सांसद जी, कहाँ हो आप? एक महीना हो गया प्रद्युम्न सिंह तोमर आपके मंत्रिमंडल के, आपका क्षेत्र का व्यक्ति मर गया, कुत्ते नहीं मरे यहाँ पर, इंसान मरा, आदमी मरा है, नल्ले में कूद रहे हैं, नाली में कूद रहे हैं, आदमी मर गया, फोन नहीं पहुंचा आपका, क्योंकि उनका रिश्तेदार है सब तोमर, उनके समाज का ऋषभ तोमर, उनको संरक्षण वाले ऋषभ तोमर को कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर भाई, जनता लड़ रही है यहाँ पर, कांग्रेस भाजपा एक होकर खेल रहे हैं, कहाँ है प्रवीण पाठक जी, कहाँ है जिलाध्यक्ष आपके कांग्रेस के, कहाँ जिलाध्यक्ष भाजपा के, कहाँ है अन्य पार्टियों के? भाई समझना पड़ेगा, ये सब एक ही मूड है, एक ही नेतागिरी कर रहे हैं, ब्याज पे पैसे लाते हैं, उससे चंदा लेते हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, समझना पड़ेगा, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये ब्याज खोरों के खिलाफ लड़ाई है, ये संरक्षण देने नेताओं के खिलाफ है जिन्होंने ऐसे अपराधियों को पाल रखा है, आपको समझना पड़ेगा। प्रशासन 20,000 रुपये बोल के गया, 10,000 रुपये छोड़ गया, एक सिंगल पुलिस का जवान नहीं आया आज तक घर पे, इतनी बड़ी घटना हो रही है, यहाँ खड़े हुए लोग सोच, मतलब थाने से TI बोलता कि बेटा उसके भाई से बोल रहा है, भाई से बोल रहा है कि तुम ज्यादा करोगे तुम पे FIR कर दूंगा मैं। अच्छा भाई वो चौहान TI, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप में हिम्मत हो तो भूपेंद्र सविता के ऊपर FIR दिखाओ, विजय कुमार पे FIR दिखाओ, आपकी पुलिसगिरी मैं निकाल दूंगा उस दिन, आपको शर्म आनी चाहिए जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हो। ऋषभ तोमर और पीयूष मोदी कल वहाँ पे आए थे न्यायालय में, ये पत्नी से बोल के गए कि बेटा घर जाओ, कुछ नहीं कर सकते तुम, हमारा हमारे पापा के हमारे लोगों के हाथ बहुत ऊंचे हैं। अच्छा। क्यों कह पा रहे हैं भाई, एक सेकंड, कल जमानत पे न्यायालय का हम सम्मान कर रहे हैं, आप बताइए कल ऐसा उन्हें क्यों बोल दिया, आखिर उनके पास कौन सी पावरफुल है दमदारी सिस्टम है जो वो खुल के बोल पा रहे हैं कि भैया तुम जाओ, वो खुलेआम जाओ बेटा, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हमारा हम तोमर हैं, हम ऋषभ तोमर है, समझिए, समझना पड़ेगा, ये अन्याय की लड़ाई दीपक सप्ताह तक की नहीं है, ऐसे हजारों नए युवा जिनको सूद गोरी ब्याज के दम पर वो उनके यहाँ पर लगातार प्रताड़ित हैं, और नेता लोग होर्डिंग में छप जाते हैं उनके यहाँ पर, क्यों? क्यों नेता को चाहिए ऐसे लोग भीड़ के रूप में। प्रभारी मंत्री जी आपसे पूछ जा रहे हैं, भैया आखिर इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, बच्चा अनाथ हो गए हैं, स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि भैया कल निकाल दें, कल से नहीं आना, फीस नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा इस पूरे मामले के पीछे ऋषभ तोमर नहीं है, इस पूरे मामले के पीछे पीयूष लोधी नहीं है, इस पूरे मामले के पीछे ऐसे ब्याजखोर को सोचने वाले लोग हैं जो सरकार के अंदर बड़े बड़े प्रतिनिधि बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, उनके लोग हैं ये, तो FIR तो श्रीमंत सिंधिया जी को होना चाहिए, इनको यदि नैतिकता है, यदि आप अपने आप को राजा मानते हो, वो शास्त्री जी थे, लालू शास्त्री, एक आदमी मरा उन्हें इस्तीफा दे दिया, आज इस यहाँ पर लोग मर रहे हैं, सेन समाज के लोग मर रहे हैं, कुशवाहा समाज पर अत्याचार हो रहा है, गुर्जर समाज पर FIR हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है, वोट मांगने आ जाते हो हम आपके, ये जाति के नाम पर इकट्ठे जाते हैं, लेकिन वर्ग के जब लोग इकट्ठे होते हैं तो इनके मुंह से जवानी निकलती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि माननीय श्रीमंत जी महाराज साहब जितने भी नाम है आपके, आप कब उस पीड़ित के यहाँ जाएंगे, उस पीड़ित के बच्चे को कब आर्थिक सहायता देंगे, उस पीड़ित की महिला को सरकारी नौकरी कब मिलेगी, आखिर न्यायालय कल फिर से जवाब दे देगा, फिर उन्हीं के मोहल्ले जाके फिर वो मर्डर करेंगे, तो भाई आपके लोग ही तो, उनको पता है न्यायालय में 2-3 लाख रुपए भर देंगे, वकील से बात कर लेंगे, फिर कल आ जाएंगे, फिर कल मर्डर करेंगे, फिर ब्याजखोरी करेंगे, तो ये कर किसके दम पर रहे, ये बिना कहीं इसमें पूरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण जो है श्रीमत सिंधिया जी का है। मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी से निवेदन कर रहा हूँ कि वास्तव में इस देश के अंदर थोड़ा सा विश्वास बना रखना है, कानून व्यवस्था विश्वास रखना है, तो भैया ऐसे मंत्रियों को स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने समाज के लिए, अपने ग्वालियर के लिए, अपनी प्रजा के लिए, तब हम जाने कि आप महाराज हैं, अन्यथा ऐसे लोग जनप्रति बहुत सारे घूम रहे हैं, आप भी घूमते रहिए। धन्यवाद।